तुम जब ऐसे शर्माती हो, दुल्हे का धड़क तुम जब ऐसे शर्माती हो, दुल्हे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो लेकर आया हूं, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। तो गाइज अगर आप भी इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो गाइज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है काइन मास्टर। तो दोस्तों अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर की लिंक दे दिया है, आप वहां से काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज आपको वहां से डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वहां पे काइन मास्टर का लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए, मैंने ऑलरेडी काइन मास्टर ओपन कर रखा है। और ओपन करने के बाद क्या करना है, सिंपल सा हमें यहाँ पे देखिए आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो आइकन है 60:9 वाला, इस पर हमें क्लिक कर लेंगे। और ऐसे क्लिक करने के बाद हमें सिंपल से क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए एक मीडिया का ऑप्शन जो दिख रहा है ये, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे ऐसे। और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको देखिए बहुत से बैकग्राउंड मिल जाएंगे, तो हमें यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिए। और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इस ब्लैक बैकग्राउंड को ऐसे बड़ा कर लेना है, मतलब वीडियो के मुताबिक आप जितना बड़ा वीडियो एडिटिंग करेंगे उतना बड़ा इस बैकग्राउंड को बड़ा कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आ जाना है। और फर्स्ट में आने के बाद सिंपल सा हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे फिर ऑफ जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है मीडिया, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सिंपल सा हमें एक यहाँ पे वीडियो ले लेनी है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। और गाइस इसका मैंने टेम्पलेट भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से टेम्पलेट भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये वो वीडियो, मैं यहाँ पर इस वीडियो को ऐड कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का वीडियो। अब हमें सिंपल से क्या करना है, इसी वीडियो पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी ये वाला, इस पर क्लिक करना है। और देन यहाँ से हमें फुल स्क्रीन कर देना है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन होगा, उसके बाद देन यस कर देना है। अब हमें सिंपल से क्या करना है, इसी वीडियो पे क्लिक करना है। और इसका जो वॉल्यूम है, यहाँ से वॉल्यूम के एक आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और इसे हमें इसका जो वॉल्यूम है म्यूट कर देना है ऐसे। और म्यूट करने के बाद हमें क्या करना है, फिर इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। देखिए आपको एक ब्लेंडिंग, ये देखिए ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन, ये स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है ऐसे। उसके बाद देन यस कर देना है। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे फोटो, आप जो फोटो मतलब लगाना चाहते हैं उस फोटो का हमें सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ से गाइज मैं लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर। और मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज आप इसमें जो फोटो मतलब लगाना चाहते हैं उस फोटो के यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ से एक फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये वाला फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद इस फोटो का हमें पूरे वीडियो के एंड तक ऐसे कर देना है, इसे पूरे वीडियो के एंड तक। और ऐसे करने के बाद सिंपल सा हमें इस फोटो पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमें इसे बड़ा कर लेना होगा ऐसे, इस फोटो का हमें ऐसे बड़ा कर लेना होगा। तो ऐसे आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। और ऐसे करने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर ये जो वीडियो है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे ऐसे, ब्रिंग टू फ्रंट, ऐसे हमें ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ से फोटो का आप इसमें ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से मतलब गाइज एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देन मैं यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये एडजस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, फिर इसी फोटो पर क्लिक करेंगे, फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे ऐसे। और डुप्लीकेट करने के बाद हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ पे ओवर एनिमेशन के एक ऑप्शन दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे। और इसमें एनिमेशन हमें क्या देना है, ये पल्स वाला, ऐसे पल्स एनिमेशन देना है। उसके बाद देन यस कर देना है। अब हमें सिंपल से क्या करना है, इसी फोटो पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे आ जाना है कलर फिल्टर में, देखिए एक कलर फिल्टर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आना है। और आने के बाद आप यहाँ से जो कलर फिल्टर रखना चाहते हैं मतलब अपने चूज का, तो आप यहाँ से जो कलर फिल्टर मतलब रखेंगे वहाँ से आप इसे कलर फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एक कलर फिल्टर को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो देन मैं यहाँ से आपको एक कलर फिल्टर सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए ये वाला कलर ही फिल्टर मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा दूँ, ये हो गया। अब हमें सिंपल से क्या करना है, फिर हमें इसी वीडियो पर क्लिक करना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ से सेकंड वाला आइकन ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है ऐसे। अब यहाँ पे गाइज हमारा वीडियो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब इसमें बाकी रह गया सॉन्ग ऐड करना। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपके फाइल में जितने भी सॉन्ग होंगे यहाँ पर शो होंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक सॉन्ग ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं ये वाला सॉन्ग आपको ऐड करके,
ये वाला सॉन्ग ऐड हो गया गाइज, उसके बाद देन यस कर देना। अब इसे हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। अब गाइज इसे हमें सेव करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सिंपल सा हमें यहाँ पे वीडियो क्वालिटी मतलब सिलेक्ट कर लेंगे 720, और यहाँ पे नीचे आपको एक्सपोर्ट का एक आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करके वीडियो को गाइज एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।